हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर आला म्यूजिक। आज मैं आप लोगों के लिए ये सिखाने वाला हूँ कि कोई भी राग है, आप चाहते हैं किसी राग को मैं बजाऊं और प्रोग्राम के, अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के, भजन संध्या इत्यादि के प्रोग्राम की शुरुआत में प्रस्तुत करूं, आप ये चाहते हैं, तो इसके लिए मैं धुन बजाना सिखा रहा हूँ आज आपको कि धुन आखिर बनाते कैसे। कोई सी भी धुन है दोस्तों, देखिए जब राग के बेस पर हम कोई धुन बजाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें राग के चलन का, राग के जो विशेष स्वर संगतियाँ हैं वो जाननी चाहिए, वो आना चाहिए कि विशेष स्वर संगतियाँ क्या है इस राग की, राग का चलन क्या है, तभी तो हम धुन बना सकते हैं कोई। अन्यथा हम स्वर तो हर राग में लगभग लगभग वही लगते हैं, एक जैसे स्वर लगते हैं। मान लीजिए मेरे सामने आज एक राग है, राग भीम पलासी, इस पर मैं एक धुन बजाना सिखाऊंगा। बजाना प्लस बजाना, बनाना कैसे है और बजाना कैसे है उसको, फिर आप अपने दिमाग से किसी भी राग पर आधारित धुन बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उस राग के बारे में गहराई से समझना पड़ेगा। मान लीजिए आज का राग है मेरा राग भीम पलासी, इठाट काफी का राग है। इस राग पर आधारित मैं एक धुन बना के दिखाऊंगा आपके सामने और फिर बजा के बताऊंगा। पहले इतना आपको जानना जरूरी है कि राग भीम पलासी में स्वर क्या लगते हैं, क्योंकि स्वरों के एब्सेंस में हम बजाएंगे तो बजाएंगे क्या। स्वर की जो राग की पकड़ है वो पता होना चाहिए, राग में कहाँ कहाँ ठहराव देना है, क्योंकि राग तो राग अपने हिसाब से चलता है। कोई लाइट म्यूजिक होता है तो लाइट म्यूजिक अलग बात है, लेकिन प्योरली जब राग बजता है तो राग में राग के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो अपलोड होने वाला आपको मिलता रहे। राग भीम पलासी, इसका आरोह देखें। नी स ग म प नी स, नी स ग म प नी स। अब अवरोध देखे, स नी ध प म ग रे स, नी स ग म प नी स, स नी ध प म ग रे स। ये राग के आरोह अवरोह हुए। अब इसमें पकड़ वो कौन से स्वर समुदाय हैं जिनसे राग पकड़ में आता है, देखें। नी स म म प ग म ग रे स, नी स म म प ग म ग रे स। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो धुन है वो ताल कहरवा पर है। सबसे पहले ताल कहरवा के साथ मैं धुन सुनाता हूं और इस धुन को आप किसी भी कार्यक्रम में बिगनिंग में बजाएं, शुरुआत में बजाएं, बहुत सुंदर। जब आप कोई कार्यक्रम शुरुआत करते हैं तो ये धुन आपकी अलग ही इसका एक रंग होगा, राग पर आधारित रंग होगा, बहुत मधुर लगेगी लोगों में। Oh,
दोस्तों आपने ये धुन सुना होगा और ये इसकी एक रंग है राग भीम पलासी का। अब मैंने जो फ्रेज इस्तेमाल किए हैं वो मैं बताऊंगा आपको गहराई से ताकि आप बनाने लगे ऐसी धुने। पहला फ्रेज लिया मैंने नी सा ग म प म ग म ग रे सा, पहला फ्रेज नी सा ग म, यानी इस राग में गंधार और निषाद दो स्वर कोमल हैं और सभी स्वर शुद्ध हैं। शुरुआत नी से होती है, लोअर ऑक्टेव के कोमल नी से नी सा ग म प म ग म ग रे सा, नी सा ग म प म ग म ग रे सा, लास्ट में सा के ऊपर एक मात्रा बढ़ा दिया। ये पहला फ्रेज हो गया। अब देखिए मैंने नी सा ग म प उसी हिसाब से मेरा चलन रहा, नी सा ग म प, पा के बाद मा पे आ गया प म ग म ग रे सा, यानी राग के चलन के हिसाब से है। नी सा ग म प म ग म ग रे सा, मैंने इसमें अभी क्या जब मैं आरोह कर रहा हूं तो मैंने रे का प्रयोग नहीं किया है और धा का भी प्रयोग नहीं किया, दो स्वर वर्ज किए राग के चलन के नियम के अनुसार, और जब मैंने अवरोह किया तो सातों स्वर प्रयोग किए। नी सा ग म प म ग म ग रे सा अवरोह के समय रे लिया है। तो पहला फ्रेज आपका नी सा ग म प म ग म ग रे सा, क्योंकि ग रे सा ग म ग रे सा इसका एक स्वर संगति है। इसके बाद में दूसरा फ्रेज लिया मैंने ग म प नि द प, ये भी एक स्वर संगति है राखी ग म प नि द प, कोमल नहीं लिया। उसके बाद दूसरी स्वर संगति क्या जोड़ी ग म प नि प नि सा, ये भी स्वर संगति है राखी, यानी ये मैंने जोड़ दिया ग म प नि द प ग म प नि प नि सा। तार सप्तक के सा के ऊपर एक मात्रा रुका, पहले शुरू में धा पा के ऊपर रुका था ग म प नि द प, पा के ऊपर दो मात्रा ठहरा ग म प नि प नि सा, तार सप्तक के सा के ऊपर एक मात्रा ठहरा, क्योंकि ये राग भीम पलासी पर है और ताल कहरवा पे मैं बजा रहा हूं, तो ताल कहरवा जब बजाएंगे तो ताल के सम में रखने के लिए, सम बरकरार रखने के लिए हम आठ आठ मात्राओं का फ्रेज तो बजाएंगे, चार चार मात्राओं के दो भाग हो गए तो आठ मात्राएं बन गई, तो ये दूसरा फ्रेज हो गया। और तीसरा फ्रेज फिर था नी सा ग रे सा नी द प म प ग म ग रे सा, नी सा नी सा ग रे सा नी ध प म प ग म ग रे सा, लास्ट में सा के ऊपर एक मात्रा बढ़ा दिया। अब तीनों फ्रेज देखिए आप, पहला फ्रेज नी सा ग म प म ग म ग रे सा, दो बार बजाना नी सा ग म प म ग म ग रे सा, दूसरा फ्रेज ग म प नि द प, पा के ऊपर दो मात्रा है ग म प नि प नि सा, तार सप्तक के सा के ऊपर एक मात्रा, एक बार बजेगा ये। और तीसरा फ्रेज नी सा ग रे सा नि द प म प ग म ग रे सा, कैसे
प्रकार से धुन बनाने में कोई बड़ी बहुत बड़ी नहीं एफर्ट नहीं है, इजी है, बट बशर्ते कि आप यदि स्वर संगतियों को समझ के चलेंगे तो आप कभी भी बजा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जो राग बजा रहे हैं तो राग के बीच में कोई माने इस राग पर आधारित कोई भजन आ गया आपके सामने, कोई गीत आ गया और आपको म्यूजिक बजाना नहीं आता, तो विशेष स्वर संगतियां ही काम आती हैं उस टाइम पे। विशेष स्वर संगतियों का सहारा लेकर के हम म्यूजिक बजा सकते हैं और ये कितना सुंदर म्यूजिक बन गया देखें आप। फिर से ताल कहरवा जिसका टेम्पो 160 BPM है। से आप बड़े आसानी से किसी भी राग पर आधारित धुन बना सकते हैं खुद, और बहुत ही बेहतरीन धुन बना सकते हैं आप। ऐसी धुनें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये आपको निर्मिति खुद ही करनी है। दोस्तों वीडियो में ज़रूर आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरा, कमेंट्स में बताएं यदि अच्छा लगा है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।